रायबरेली जनपद की कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है, जहां पर मुफ्त में शराब ना पिलाना एक सेल्समैन को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि एक दर्जन से ज्यादा लोग दुकान में घुसकर सेल्समैन की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीर का पुरवा का बताया जा रहा है। दरअसल कुछ युवक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहुंचे और मुफ्त में शराब मांगने लगे। शराब न देने पर सभी दबंग युवक दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में मौजूद सेल्समैन शिवम, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही, उसकी जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सभी दबंग युवक को मरणास्थल हालत में छोड़कर धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए रायबरेली से राम सुमेर की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब क्या बचते हैं? डॉक्टर एस के सिंह, एमओ जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर साहब एक मारपीट का मामला है, क्या है? एक शिवम नाम का पेशेंट, करीब 25 साल उम्र है उसकी, जो कि सीएससी अमावस से रेफर किया गया था मेडिकल करके। बाकी उसको एग्जामिन करने पर यही पता चला कि सर पे चोटें लगी थी, उसके बाएं हाथ पे चोटें लगी थी, दोनों पैर पे चोटें लगी हैं। बाकी पता करना, अटेंडेंट यही बताया कि मारपीट का मैटर है, किसी शराब की दुकान पे काम करता है, एम्प्लॉई है वहाँ का। और क्या मैटर हुआ, लेन देन का कुछ मैटर रहा होगा, जो भी जिससे मारपीट हुआ तो उसको कई लोगों ने मिलकर मारा। बाकी मैंने एग्जामिन किया उसको, सर पे चोटें आई हैं, गंभीर हालत में था, जिसको भर्ती कर दिया गया है, उसको इलाज चल रहा है उसका।